दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आई लव यू डोगा पार्ट टू। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट वन में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो पहला पार्ट जो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। इधर डोगा का हाथ उस दरवाजे के हथे तक पहुंच भी नहीं पाया था कि उफ क्रैश। डोगा हम में से किसके हाथों मरेगा? ठॉक, शस्त्र तो तुम्हारे सचमुच लाजवाब है, मगर ठॉक। ध्यान रखना, धड़ौक उफ ठॉक, कि कहीं ये शस्त्र तुम्हारे जिस्म को छू गए तो ओ फौच उफ। लो कर लिया ना अपने हाथों अपना बेड़ा गर्क। जिंदगी एक बार तो मुझ पर मेहरबान होगी डोगा, जिंदगी एक बार तो तुझ पर मेहरबान होगी डोगा, पर इंस्पेक्टर चीता की तरह हर बार किसी गलतफहमी में मत रहना। ठोक ठोक, उधर वह धीरे धीरे इटर में राख हो रहा है और इधर अब तू बनेगा निशान जी के निशाने का शिकार। तुमने सच कहा काले बॉस, मैं सचमुच किसी गलत फहमी में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि निशान जी के छोटे छोटे शस्त्र जहर बुझे हैं। ठोक, और ध्यान दे निशान जी, तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना कि आज भी तुम मुझे उस रात की तरह बेबस कर करके निकल जाओगे। ठोक, क्योंकि आज मैं तुझे तेरे हथियार से मारूंगा। बड़ा ओ काले, बहुत जानता था कि इस बार तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कायर यहां से भाग गया। ओह धौड़, तेरे घुटने की हड्डी मैं तोड़ चुका हूं, लेकिन तू उससे एक भी तोड़नी बाकी है। ओ मैं तेरी दूसरी टांग उस शर्त पर नहीं तोड़ूंगा अगर तू मुझे इंस्पेक्टर चीता का पता बता दे। वो बोल, जल्दी बोल निशान जी। न, और कुछ नहीं, सिर्फ पता बोल। टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो गया निशान जी। अब मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे पास जिंदगी का समय बहुत थोड़ा रह गया है, और मेरे लिए काले बोस को मौत देने से भी पहले जरूरी है कानून के उस चित्ते की मदद करना जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में हार ना जाए। इस कैद से बस निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं, काश मरने से पहले जिंदगी का एक अरमान पूरा कर पाता। वो अरमान है मोनिका की शादी। इधर चेहरे पर उलझन के जबरदस्त बावले उसी कक्ष में खड़े थे खोपड़ और खुरदुरा। हीरो में रखा ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर से संबंधित सिग्नल रिसीवर जो कि चिता सर के पास था, वो हमें इस कक्ष में जिस स्थिति में मिले हैं उससे साफ जाहिर है कि चिता सर किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। चीता सर ने कहा था कि अगर वो आधे घंटे तक बाहर नहीं आए तो हम पुलिस फोर्स को मैसेज भेजकर अंदर आ सकते हैं। मैसेज भेजने और हमारे अंदर आने तक भी कोई इस इमारत से बाहर नहीं निकला था, और पूरी इमारत में इस समय चिड़िया का बच्चा तक नहीं है। इस इमारत में जरूर कोई गुप्त रास्ता होना चाहिए। गुप्त रास्ता खुलता चला गया और वहां जो सूरत खोपड़ और खुरदरा को नजर आई, उसे देखकर दोनों लोमड़ी की तरह सतर्क नजर आने लगे। डोगा, ये तो डोगा है जिसके बारे में आज तक सुना ही था, आज देख भी लिया। मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना, तुम्हारे इंस्पेक्टर चीता की जान खतरे में है। क्र दूसरे पल आश्चर्य वह उत्तेजना के साथ फट गई थी खोपड़ और खुरदरा की आंखें। ओ गॉड, तुम कहां चले डोगा? अपने चीता सर की जान बचाने की सोचो, सब इंस्पेक्टर खोपड़ थर्ड, क्योंकि डोगा को आज तक तुम्हारी चीता सर भी नहीं पकड़ पाई। उफ, हवा में सनसना कर आया खुरदरा का खुरदरा रूल। थॉक, डोगा चीता सर ने मुगले गुट्टी की तरह यह गुट्टी हमें पिलाई है कि भले ही जिस्म और जान के पर खचे उठ जाए, मगर फर्ज की राह में पड़ने वाले पत्थर को जरूर चकनाचूर कर दो। डोगा पत्थर ने इंस्पेक्टर खुरदरा, डोगा फौलाद है और इस फौलाद को गुलाने के लिए कोई भट्टी तुम्हारे कानून के पास नहीं है, समझे? उफ,
दोनों इटोका को रोकने में नाकामयाब रहे। बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर, काले बॉस की उस इमारत में छापा मारकर तुमने जमीन के नीचे कई ऐसे गुप्त सुरंगों का पता लगा लिया जिसमें काले बॉस कभी भी कोई बड़ा जुर्म अंजाम देकर आसानी से फरार हो सकता था। माय डियर इंस्पेक्टर चीता, कानून का चीता, मगर अभी भी ये कहां साबित होता है कि उन सुरंगों को बनाने में काले बॉस का हाथ है, क्योंकि वैसी सुरंगों का जाल तो कई और इमारतों के नीचे से होकर भी गुजर रहा है। बल्कि क्यों न मैं तुम पर अपने ऑफिसर पर हमला व हुक्म अवदूली का चार्ज लगाकर कार्यवाही करूं। अरे तुम मुझ पर क्या चार्ज लगाओगे कमिश्नर? काले बॉस के तलवे साफ करते करते तो तुम्हारी उंगलियां घिस गई होगी। इंस्पेक्टर चीता, क्या बकवास कर रहे हो? पेजर्स की सफलता मुबारक हो कमिश्नर। चीता, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तब गजब कर दिया इंस्पेक्टर चीता ने, तड़ाक उफ। कीचड़ में गिज बिजाने वाले गंदे सुअर। इंस्पेक्टर चीता, दाड़ो मत कमिश्नर, दाड़ो मत, क्योंकि ठीक वैसे जैसे मेरे पास तुम्हारे खिलाफ फिलहाल कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे लिए भी यह साबित करना मुश्किल है कि इंस्पेक्टर चीता ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ जड़ाए। मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, तुम्हारी वर्दी उतरा दूंगा। ले वर्दी तो मैं खुद उतार रहा हूं कमिश्नर, यह रहा मेरा रेजिग्नेशन। अब चिता करेगा अपनी बहन मोनिका की शादी। इधर मॉर्निंग वॉक को जाती चौक उठी सोनिका। अरे ब्रांडी कहाँ जा रहा है? अरे ब्रांडी तू कू कू, तेरी मालकिन कहाँ है? वो तुझे मेरे पास देख लेगी तो फिर करंट छोड़ेगी। तेज छुरी है, तेज छुरी। अरे बाप रे, ये तो यहीं खड़ी है, तूने बताया क्यों नहीं? कू कू। अच्छा ब्रांडी भाई, चलते हैं, फिर मिलेंगे। कल से तुझे लोहे की जंजीर पहना कर लाऊंगी ब्रांडी के बच्चे। हरी मिर्च है भाई। ओ छोड़ दो मुझे शैतान। उफ ब्रांडी, बहुत दिनों से हम तेरी ताक में थे, आज मिला मौका। गुर्र। और राजा को जब मौका मिलता है तब तो वो मौका चूकता नहीं है। ओ माँ कसम राजा, उस्ताद गन्ने की फसल से भी पर भी पूरी बार आई हुई है। अरे अब क्या ऊँ कर रही है? रोजाना के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते वक्त नहीं सोचा था कि राजा मिल जाएगा। हा। और तभी ठहरो भैया तनिक, तो ठहरो, कौन है बे? चल फुट भैया तनिक, बताओ तो सही है क्या है? बुरी नजर वाले तेरा मुकाला। और ये क्या भैया? जुती, मतलब बुरी नजर वाले तेरे लिए तोहफा। धड़ाक। क्यों राजा भैया, बुरी नजर डालते वक्त ये नहीं सोचा था कि सूरज मिल जाएगा? ठोक पटाक उफ। और त्योहार वास्ते मिलाया ई गन्ने का गट्ठर बिटवा। आह, और फिर झाड़ियों में आ गया जैसे भूचाल। आह छोड़ दो ई बहन, माफ कर दो। उफ ब्रांडी, तुझे चोट तो नहीं लगी? कू कू, तू किस्मत वाला यार ब्रांडी। थैंक यू भी नहीं बोला, बड़ी बेरहम है भाई, यहां तुम्हारी दाल निगलने की। उसी श्याम, वाह सूरज भैया, आज तो दस रहे हो, आज तो दाल गले ही गले। शहबाश शहबाश ब्रांडी, खोल दे कुंडा, और तू यहीं रुकियो, अंदर मत आइयो, क्योंकि आज अंदर घुसते ही एक गुलदस्ता अपनी सोनू को देकर सीधे ही कहूंगा आई लव यू। अरे यहां तो वो है ही नहीं। आई लव यू है या भी नहीं है? जरूर यहां सच दस कर बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। आज इनकार का कोई अवसर नहीं दूंगा, और गुलदस्ता उसके हाथ में देकर सीधे ही कहूंगा आई लव यू। उस कमरे से इतर की महक आ रही है, इसका मतलब वहां है सोनिका, और कमरे में है केवल कैंडल लाइट। वो सूरज का हृदय पसलियों पर चोट करने लगा था, मगर सोचता हूं कि जेंटलमैन स्टाइल में एक कमरे में प्रवेश करूं, गुलदस्ता उसे दूं और कहूं आई लव यू सूरज।
और सामने मोनिका को देखकर बक्से उड़ गई सूरज की खोपड़ी। मोनिका तो तुम यहाँ, तुम नहीं जानते सूरज जी तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनने को कितना तरस गई थी मैं। आई लव यू सूरज, आई लव यू। तो पागल हो गई हो क्या? उफ, तुम यहाँ पहुंची कैसे? मैं तो तुमसे मिलने लॉन जिम आ रही थी, मगर तुम्हें इधर आता देख मैं पीछे से चोरों की तरह अंदर आ गई। और इस समय सोनिका भी यहाँ नहीं है। सहसा ही पत्थर सा सख्त वह खुरदरा हो गया सूरज का स्वर। मोनिका बिना किसी एक भी शब्द और बोले, तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। सूरज, मुझे जाने को मत कहो, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। मैं जाओ यहाँ से, मैं मजबूर हूँ मोनिका, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए है। उफ, फिर वहां ना रुकी मोनिका और बेदगम्भीर हो गया सूरज भी। मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था, पर पता नहीं ये भी आ गई। सोनिका, आज अगर तुमने मेरे पैर को ठुकरा दिया तो तुम्हारी कसम आज के बाद सूरज तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखेगा। आई लव यू सोनिका। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते सूरज, मैं भाग्य की ठुकराई हुई हूँ। कु हम सभी तो भाग्य के हाथों की कठपुतली हैं सोनिका। अब देखो ना, बचपन में जिस सोनू को खो दिया था, आज तुम्हारे रूप में उसे पा लिया। तुम मेरी हो सोनू, सिर्फ मेरी। जा रहा हूं, अदर चाचा आएंगे शगुन लेकर। शगुन? कहीं अंदर तक झंझोड़ कर चला गया सूरज सोनिका को। खुशी के मारे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे आज सूरज के। चाचा, अदर चाचा उखाए आप, अदर चाचा आओ सूरज आओ, देखो कौन आया है। इंस्पेक्टर चीता? सिर्फ चीता को? कैसे हो सूरज? क्यों इंस्पेक्टर चीता, उतर गई वर्दी? मैंने डिजाइन कर दिया सूरज। ऐसा ही कहते हैं, हा। और तब सूरज की आशाओं के विपरीत आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुरा उठा था चीता। सूरज, इंस्पेक्टर चीता शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। शादी? मुबारक हो चीता, तुम्हें लड़की कौन दे रहा है? हा। सूरज, मैं शादी नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी बहन मोनिका की शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं मोनिका की शादी तुम्हारे साथ हो। सूरज को चीता के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं दे रहा क्या? मगर मैं तो साला पसंद कर चुका हूं, ब्रैंडी नाम है उसका। तब समा चाहता हूं अध्यक्ष चाचा, सूरज के इस जवाब के बाद मेरी किसी बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। और चीता के जाने के बाद, सूरज, ये पैकेट मोनिका ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। मेरे लिए? मगर इसमें क्या है? और पैकेट यह खुलते ही बिजली सी कौन गई उसके जहन में। ये कपड़े तो मेरी सोनू के हैं, और ये तस्वीर भी सोनू की है। मगर मोनिका के पास ये सब कहां से आए? क्योंकि तुम्हारी सोनू मैं हूं सूरज, तुम्हारी वो सोनू जो तुमसे बिछड़ कर एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भुला पाई। मोनिका? हाँ सूरज, सूरज नाम की हर व्यक्ति में मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हें तलाश करती रही हूं, और अब मेरी एक खोज पूरी हो चुकी है। हाँ ठीक उसी तरह जैसे मैं सोनिका में सोनू को तलाश करने लगा था। लेकिन सूरज, अगर तुम सोनिका को चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम सोनिका से शादी कर सकते हो। और पगला सा गया जैसे सूरज। अदर चाचा, देखा आपने इस पगली को? अदर चाचा ये कह रही है कि मैं अपनी आत्मा को अपने जिस्म से खींचकर अलग कर दूं। आई लव यू, आई लव यू सोनू। और सूरज, जमाने भर ये खुश है भी आज इस पल के आगे फीकी पड़ गई है। परवरदिगार तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे। अगर इजाजत हो तो मैं भी इस खुशी को थोड़ा सा बांट लूं भैया। चिचिता, मुझे माफ कर दो चिता, बहुत रूखा व्यवहार करता रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। और इधर आदमकद आईने के सामने बैठी सोनिका के सपने परवान चढ़ रहे थे। क्या तू सचमुच इतनी खुश नसीब हो सकती है सोनिका? क्या सचमुच वह सूरज तेरे माथे की बिंदिया बनकर चमकेगा? ठक ठक, उफ, अदरक चाचा होंगे। सूरज कह रहा था अदरक चाचा आएंगे शगुन लेकर। शगुन? हृदय धार धार बजने लगा उसका, रंगत होने लगी गुलाबी। सामने अदरक चाचा ही थे। सोनिका तुम ही हो ना बेटी?
जी, हाँ आप अदक चाचा है ना, आइए अंदर आइए ना, मुझे सूरज ने तुम्हारे पास भेजा है ये कार्ड तुम्हें देने के लिए। ओ अदक चाचा थोड़ी देर ही रुके रुके वहां, और उनके जाने के बाद दहल गया सोनिका का कलेजा उस कार्ड में छपी तहरीर पढ़कर। नहीं यह नहीं हो सकता सूरज, मेरे साथ साथ इतना बड़ा धोखा कभी नहीं कर सकता। और तब सर कुं कुं हूं, सभी मर्द बेवफा होते हैं बेदर्द। आज रात भी बंबई की ऊंची इमारत पर खड़े थे दो साए, लेकिन आज उन सायों के दिलों में उठती विचारों की आंधिया बिल्कुल विपरीत थी। एक रेगिस्तान की दो पैर की तरह झुलस रही थी, तो दूसरे के दिल में खुशी समुद्र की लहरों की तरह उफन रही थी। और इस तूफान से बदकिस्मती से टकराने के लिए बढ़ रहे थे वे दो। काले बॉस एम्बुलेंस धीरे चलाओ, मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। हमें अभी हीरे लेकर इस शहर से बाहर निकलना है। पुलिस हेडोगा को हमारी भनक पड़ गई तो हम दोनों के पूरे जिस्मों पर प्लास्टर चढ़ाने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि तो फिलहाल हमारे सितारे गर्दिश में है। और तभी कनपटिया लाल होगी काले की, काले बॉस एम्बुलेंस रोक दो, क्योंकि तो आगे सड़क पर मैंने कीले बिछा दिए हैं। व्यवस्था से दांत पीसते हुए एम्बुलेंस रोकनी पड़ी उसे। और तब नहीं आ डोगा उफ निशांसी, पिछली बार तो तुझे काले बॉस ने बचा लिया था, पर अब देखता हूं तेरी किस्मत तुझ पर कितनी मेहरबान है। खुशी से आंखें चमक रही थी डोगा की, तो एक अजीब सी गुदगुदी महसूस कर रहा था वह अपनी हथेलियों में। गुदगुदी मिटाने के लिए निशांची का शरीर बखूबी निशाना बना। ले निशांची तू भी क्या याद रखेगा घायल है न, इसलिए सिर्फ डोगा के तमाचे चख। तमाचों से भी उसे अपने होश उड़ते महसूस होने लगे। इधर जैसे यमदूत को देख लिया उसने, जान अलख में टक गई उसकी, बला ने खींच लिया उसे। ओफ आज उसके बारे में बला की दरिंदगी थी। काले बॉस काले विधवा गया था उस दिन, बच गया था तू, मगर आज नहीं बचेगा। आह गजब की बेरहमी थी। आह दोनों ही बेहोशी के संसार में डूबते चले गए। तभी गूंज उठा पुलिस का सायरन, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके इन से हीरे बरामद कर लेगी। चलो काली लेट्स सेलिब्रेट, हम कहीं चलकर कोल्ड कॉफी पीते हैं, या ट्रिपल संडे, या आइसक्रीम सोडा, या बनाना शेक, या इटालियन थिक सोक शेक, या स्लैश, या। लेकिन काली विधवा का मूड पार्टी का नहीं था, उसके दिल से तो शमशान का धुआं उठ रहा था। बड़ी कड़क है भाई। अच्छा काली फिर मिलेंगे, पार्टी डू रही, बाय बाय। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी कॉमिक्स थी, बहुत ही बढ़िया रोमांटिक स्टोरी थी। और अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।